हेलो असलम एवरी वन आई होप यूर वेल वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल एंड इफ़ यूर न्यू हेयर प्लीज़ यू यू सब्सक्राइब आज ये मैं बहुत ही बेसिक जो है फुल मेक आ, फुल फेस मेकअप की वीडियो जो है वो मैंने बनाई है और इसमें आप देखें कितना डिफरेंस है ऑल दो जब आप मेकअप देखेंगे तो उसमें भी वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा सो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ नो मेकअप लुक और एवरी डे काइंड ऑफ मेकअप लुक तो सबसे पहले मैं जो आ, ये मेरी फेवरेट जो है पेंसिल काइंड ऑफ सेट में आई थी आईब्रो um, फिल करने के लिए दिस इज़ माई बेनिफिट और जो नंबर मैं यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ फोर पॉइंट फाइव आई थिंक और नंबर फोर और इसको इस तरीके से मैं जहाँ पे अब आप देखिए मेरी जो दूसरी आईब्रो है वो कितनी जो है वो उससे डिफरेंट लग रही है इस वाली आईब्रो में मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है जहाँ जहाँ मुझे गैप्स नज़र आ रहे हैं उधर जो है मैं इसको फ़िल कर जा रही हूँ जहाँ पर मेरे आईब्रो हेयर है हैं उधर मैं इतने ज़्यादा इसको फ़िल नहीं कर रही और अब इसको मैंने ब्रश की मदद से अपवर्ड जो है वो उनको बालों को पुश कर दिया है चूँकि ये थोड़ा सा नेचुरल काइंड ऑफ लुक है एवरीडे काइंड ऑफ लुक है तो इसमें हम बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं जाएंगे लेकिन थोड़ा सा उसको शेप देना और उनको प्रॉपरली जो है वो लगाना कि वो कैसे हैं वो सब हम करेंगे अब ये एक नेचुरल फाउंडेशन है मैट फिट मी बाय मेबलिन आई थिंक हाँ मेबलिन का है और ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है इट्स वेरी लाइट और इसकी अच्छी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग कवरेज है और बहुत नेचुरल लगता है तो ये मुझे अच्छा लगता है तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ तो मेरे पास नंबर है इट्स आई थिंक टू ट्वेंटी लेकिन अभी जब गर्मियाँ आ जाएंगी तो ये मेरे लिए थोड़ा लाइट हो जाएगा तो फिर मैं इसका आई थिंक टू फोटी या टू फिफ़्टी लगाती हूँ और दिस इज़ मैटिफाइंग uh, तो ये जो है जब अगर आपकी ऑयली स्किन होती है तो उसको थोड़ा कवर कर लेता है uh, यानी बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होने देता और अब ये मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है और उसके बाद अब ये मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर मैं टार्ड शेप टेप यूज़ करती हूँ अगर मुझे थोड़ी लाइट कवरेज चाहिए होती है तो मैं बहुत थोड़ा सा लगाती हूँ और अगर मैं थोड़ा ग्लैम लुक कर रही हूँ तो मैं उसको थोड़ा ज़्यादा लगा लेती हूँ और इस तरीके से ब्रश से आपने मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स में भी देखा होगा मैं काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ कंसीलर के क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरी कज़न्स मेरी फ्रेंड्स और जो भी कोई फॉलोअर्स हैं या जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो मुझसे पूछते हैं वो सिर्फ कंसीलर के बारे में होते हैं क्योंकि कंसीलर में सबको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और जो कुछ भी वो था लगाने के बाद अब मेरे ब्रश पे बचा हुआ है उसको मैं इस तरीके से अपने जो है वो आईलेट्स उन पर लगा रही हूँ और अब ये मेरे पास एक डैम ब्यूटी स्पंज है उसको जो है मैं खाली उससे प्रेस डाउन कर रही हूँ उसको प्रेस डाउन करने के बाद हमेशा अपने अंडर आइज को पाउडर से ज़रूर सेट करें और फेस को भी लाइटली जो है वो डस्ट कर लें अगर आपका बहुत ऑयली फेस होता है तो थोड़ा ज़्यादा पाउडर लगा लें चूँकि ये जो है वो एवरी डे लुक है तो इसमें जो है वो हमें बहुत ज़्यादा पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन जो भी मेरे ब्रश में पाउडर है बस मैं उसको ब्लेंड इन कर रही हूँ अपनी स्किन में और उसके बाद अब ये एक मैंने ब्राउन कलर लिया है किसी भी पैलेट से आप ले लें और उसको एक मैं फ्लफी ब्रश पे ले पूरी अपनी आईलेट पर ओवरऑल लगा रही हूँ बस एक कलर जस्ट टू सिंपल वॉश ऑफ़ कलर क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा वाइट होंगी तो वो ग्रे सी लगेंगी और वो अच्छी नहीं लगती तो नेचुरली हमारी आई आई जो है वो थोड़े ब्राउन से होते हैं तो नेचुरल मेकअप में इस तरीके से वो एक अच्छा लुक आता है उससे और अब ये जो है वो जेल आईनर पेंसिल है ये जो जेल आई लाना पेंसिल होती हैं ये थोड़ी सॉफ्ट होती हैं और ईज़ी टू अप्लाई होती हैं और ये जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है इनका लुक तो इसको मैंने रफली जो है वो अप्लाई कर लिया है और उसके बाद अब एक मैं फ्लैट ब्रश लिया है उससे मैं इसको स्मज आउट कर रही हूँ मुझे एवरीडे लुक में स्मचड आउट आलानर बहुत पसंद है और मोस्टली मैं जो है वो स्मर्च आउट आलानर ही लगाती हूँ अब वैसे मुझे बंगना लाइनर भी काफ़ी पसंद है तो ये दो ही स्टाइल हैं जो कि मैं मोस्टली लगाती हूँ तो अब आप ये देखें थोड़ा मैंने क्लोजअप किया है अब अब एक फ्लैट ब्रश से उसी को मैं ब्लेंड कर रही हूँ और अब ये एक मैंने ब्राउन कलर लिया है और थोड़ा सा उस ब्राउन कलर को मैं जो है वो उसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ और उसको ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो सीमलेसली जो है वो अप्लाई हो जाए इस तरीके से और ये फ्लैट ब्रश जो है एंगल ब्रश जो है ये इस काम आता है इससे जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो आपकी ब्लेंडिंग हो जाती है और अगर आप अपना ब्रश सेट लें और उसमें देखें कि ये फ्लैट ब्रश है तो आप सोचें कि किस काम के लिए तो ये इसलिए होता है और अब ये मैंने एक छोटा फ्लफी ब्रश लिया है उससे मैं अपने अंडर आइज़ में ये लगा रही हूँ क्योंकि जब आप, आप कंसीलर लगाते हैं ऑल द वे अब थोड़ा सा वो चला जाता है तो वो उससे एक नेचुरल लुक नहीं आता तो ये थोड़ी इस तरीके से लगाने से आपका जो लुक है प्रॉपर वो फेस का वापस आ जाता है और वो नेचुरल लगता है और अब ये मेरा हुला ब्रॉन्जर है मेरा फेवरेट ब्रॉन्जर है ब्रॉन्जर <laughs> सॉरी तो ये जो है मैं इसको जहाँ पे नॉर्मली अपनी कॉन्ट्रोलिंग होती है ब्राउजिंग होती है उधर मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने चीक्स में और अब ये थोड़ा थोड़ा सा लिफ्टेड लुक चल रहा है फेस का तो वो थोड़ा ऊपर और ज़्यादा अप्लाई होता है पहले आप मिड ऑफ द चीक अप्लाई करते थे लेकिन अब टुवर्ड्स द बोन ऑफ द चीक अप्लाई हो रहा है और um, सब चीज़ को थोड़ा सा टुवर्ड्स द अपर साइड लेके जाना है ये मैंने um, एक टेंट लिया है उसको मैंने अप्लाई किया है ये बेनिफिट नहीं बेनिफिट का नहीं है सॉरी बॉडी शॉप का टेंट है इसको अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो कभी जिंदगी में ये मूव नहीं होगा तो इसको हमेशा थोड़ा सा अपने हाथ पे लगाएं और ब्रश में लेके फिर उसको करें दूसरा एक रीज़न ये भी है कि हमने पाउडर लगा लिया है अब जब पाउडर लगाने के बाद आप कोई लिक्विड प्रोडक्ट लगाते हैं तो वो इतनी अच्छी तरीके से अप्लाई नहीं होती ब्लेंड नहीं होती तो इसलिए भी उसको हाथ में लेके जो है अप्लाई करना है और अब बहुत ही लाइटली मैं हाई को डस्ट कर रही हूँ बिल्कुल लाइटली चूँकि ये एक डे टाइम लुक है एवरीडे लुक है तो उसमें वैसे हाईलाइटर की ज़रूरत नहीं होती लेकिन मैंने कहा चलो जस्ट फॉर द सेक ऑफ द वीडियो वो लगा लेते हैं और अब ये जो है वो मेरा मस्कारा है उसको मैं जो है वो अप्लाई कर रही हूँ लैशेस में आई एम टेकिंग माय टाइम ताकि वो नेचुरल हो लेकिन थोड़ी अच्छी लगे और अब आप ही देखें इट्स लुकिंग वेरी नाइस नीड टू टेक योर टाइम एंड देन अप्लाइड क्योंकि मेरी लैशेस बहुत कम है पहले मैं बहुत ज़्यादा जो है वो वाटर uh, प्रूफ मस्करा लगाती थी, थी उसकी वजह से तकरीबन सारी मेरी लैशज़ जो है वो फॉल आउट हो गई हैं और अभी की दूसरा uh, मस्कारा है उसका ब्रश मुझे अच्छा लगता है तो अब उस ब्रश से मैं जो मैंने पहले अप्लाई किया था उन लैशेज़ को सेपरेट कर रही हूँ ताकि ये ठीक लगें और अब ये मेरी फेवरेट लिप पेंसिल है आई थिंक फॉर पास्ट टेन इयर्स मुझे पता नहीं मैंने कितनी खरीद ली होंगी दिस इज जीरो वन वन और वन वन जीरो समथिंग लाइक दिस बाय रिमिल और इट्स कॉल्ड स्पाइस तो ये मुझे बहुत पसंद है स्पेशली फॉर नेचुरल लुक और ये मैंने अप्लाई की है और मैं मोस्टली इसको एज लिपस्टिक भी लगा लेती हूँ और अभी जो है वो मैंने ऑल ओवर द लिप्स अप्लाई की है लिप्स लिप पेंसिल आप जब भी लगाएं उससे जो है वो आपके लिप्स का शेप थोड़ा अच्छा आ जाता है सो इट्स नाइस कि आपके पहले लिप्स का शेप डिफाइन हो जाए एंड देन यू कैन अप्लाई द लिपस्टिक दिस इज अनदर वेरी नाइस लिपस्टिक आई थिंक इट्स बॉडी कान रिम्बर मैगनोल यर समथिंग दिस इज माई बॉडी शॉप और अब ये मैं थोड़ा सा अपने आईब्रोज को क्लीन कर रही हूँ चूँकि मैंने उनको बहुत ही प्रॉपर्ली बनाया नहीं है तो इसलिए मुझे वो सही नहीं लग रही और दिस इज़ द फिनिश लुक और आई होप यू इन्जॉय वॉचिंग इट और अभी जो है वो मैं अपनी लिपस्टिक चेंज करूँगी क्योंकि मुझे ब्राउन लिपस्टिक की आदत हो गई है और अब मुझे ब्राउन लिपस्टिक के अलावा कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती सो आई एम गोना चेंज द लिप पेंसिल ए लेचरबेड और फिर उसके बाद जो है वो मेरी ब्राउन कॉल काइंड ऑफ बर्न ऑरेंज लिप लिपस्टिक है वो मैं अप्लाई करूँगी क्योंकि अब मुझे बिल्कुल भी पिंक लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती सो दट देर विगर दिस इज़ माई फेवरेट एब्सोट फेवरेट लिपस्टिक फॉर लॉन्ग टाइम और जो है वो थोड़ा सा मस्कारा लगाते हुए मस्कारा जो है वो मेरी लोअर लैश लाइन पर लग गया था जब मैं अप्लाई कर रही थी तो उसको मैंने ड्राई होने दिया और इस तरीके से एक कॉटन बड से या क्यू टिप से आप लेके इस तरीके से उसको वाइप करें तो वो हट जाता है जब वो वेट हो तो तब उसको करने की कोशिश मत करें वरना वो सारा फैल जाएगा एंड दिस इज़ द फिनिश लुक और अब ये मैंने मुझे शायद फिर बिल्कुल भी पसंद नहीं आई तो मैंने दोबारा पूरी लिपस्टिक हटा के आई एम डूइंग ऑल ओवर अगैन एंड दिस इज़ द लिप पेंसिल आई थिंक इट्स कॉल्ड चॉकलेट और समथिंग दिस इज़ बाय It's called Cinnamon, I think. This is by Morphe. And this is the finished look because I that it's a natural look so I So I hope you enjoy watching it. And this is the finished look. Uh, and I'm trying to smile again because i smile in the video. Uh, Anyway, thanks very much for watching. Please subscribe and hit the bell icon. And I'll see you in my next video. Thanks. Bye.